अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहाँ चली गई? यहीं कहीं होनी चाहिए। कहीं सजावट वालों ने सजावट निकालते वक्त तो आसपास ही होनी चाहिए। हमें इधर कहीं होनी चाहिए, कहीं दिखी नहीं रही। यहाँ क्या कर रही हो तुम? कहा था ना तुम्हें आराम करना है, काम नहीं। अपने कमरे से बाहर क्यों निकली तुम? शंकर, आपको बहुत परवाह हो रही है हमारी। क्या बात है? परवाह नहीं है, बस यह है कि चोट लगी है ना तुम्हें। शरीर कमजोर है तुम्हारा इस वक्त, और तबीयत बिगड़ गई तो हम पर बात आएगी ना। और तुम क्या सबको झूठ बोलकर आई हो अंदर कि तुम ठीक हो, है ना? आप जानते हैं कि हम ठीक नहीं है। आप हमारी फीलिंग अंदर से समझते हैं शंकर। तुम कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकती क्या पारो? हमेशा इस तरह से बात करती हो। इस तरीके से? मतलब किस तरीके से? ऐसे कैसे बात कर रहे हैं हम आपसे? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो क्यों बात कर रहे हैं? क्यों आए हमारे पीछे पीछे? किसने कहा था? हमने कहा था आपको कि पीछे आइए। गलती हो गई, आज की बात नहीं होगी। कहाँ गई दीदी? अरे इतनी बड़ी हवेली में ना चुड़ैल को ढूंढते ढूंढते घुटने थक गए हैं मेरे, और दिमाग बिल्कुल बोर हो गया है। मेरी बात मानो तो तुम्हारी बहन ना यहाँ से भाग गई है। इनका सारा सामान भी तो यहीं पड़ा है। चुप, बिल्कुल चुप। दीदी डर के भागने वालों में से नहीं, डरा के भगाने वालों में से, समझी? अब चुप करो और ढूंढो ना, कहीं वो मुसीबत में ना हो। अरे आराम से। अब चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरे साथ चलना। नहीं शंकर, हमें ना शंकर क्या बोले ना शंकर, हमें वापस से अंदर लेके गए तो हम उस बोतल को और चुड़ैल को कैसे ढूंढेंगे? कहीं किसी और के हाथ लग गए तो? अब क्या हुआ? वो हम गणपति जी का आशीर्वाद नहीं ले पाए ना हम, तो पहले वो कर लेते हैं। हाँ उसके बाद आराम से आराम कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ पारो, तो पागल कहाँ से आ गई? मुझे लगा मनमोहन और रंभा होगी। वो तो अच्छा है कि ये इंसान मुझे देख नहीं सकते इस बोतल में सिवाय नाकिन के, वरना आज मेरा सच सबके सामने आ जाता। ये पागल कर गया नहीं? वैसे इसमें फायदा मेरा ही है। अगर इस पागल के हाथ से बॉटल छूट गई तो यह तो ढक्कन खुलेगा या बॉटल टूटेगी, दोनों में तो फायदा मिल रही है। मेरा शंकर बेबी बहुत ही अच्छा है, किसी में कोई फर्क नहीं करता। देखो ना, कल हम बाहर गए थे और वहां पे दो भिखारी ठंड से ठिठुर रहे थे, इसने अपनी महंगी जैकेट निकाल कर उन्हें दे दी और साथ में कुछ पैसे भी। और यहाँ देखो, यहाँ भी नौकर को कुछ हो जाए ना तो एकदम चट्टान बनकर उनके साथ खड़ा रहता है उनकी मदद के लिए। और तुम भी तो गरीब लाचार नौकर हो ना, तो तुम्हारी चिंता भी हो जाती है इससे। ज्योति बस क्या
इसे भी तो पता चलना चाहिए कि तुम कितने दयालु हो। अच्छा अपना वॉलेट दो ना, दो ना। ये ना। अपना हाथ दो, दो। जाओ दवा ले लेना। चले एक मिनट रुक जाइए। ज्योति जी ये पैसे ना आप ही रख लीजिए, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है कि किसी ने हमारे बारे में सोचा। थैंक यू। जी कहाँ गई? अरे बस बस बस, मुझसे और नहीं ढूंढा जा रहा छोड़ैल को, बस हो गया। हाय, दिमाग खराब कर दिया है। वैसे तो बार बार पर ऑर्डर देती रहती है, अब गई है तो बताकर नहीं जा सकती थी चुड़ैल। चुड़ैल बोलना बंद करो, दीदी है वो मेरी। तो फिर क्या बोलूं? ऐश्वर्या राय बोलूं? असल में तो चुड़ैल ही है ना तुम्हारी बहन। खो बस करो। हाँ चुड़ैल, 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 डर के भागने वाली चुड़ैल, कायर चुड़ैल, चुड़ैल है वो, चुड़ैल, 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 चुड़ैल। ये दोनों चुड़ैल के बारे में क्या बात कर रहे हैं? रंभा जी, चुड़ैल का नाम बार बार क्यों ले रही थी? आपने देखा है उसे? हाँ बोलिए ना, आप जानते हैं उसे? हाँ हम जानते हैं चुड़ैल को, उसी को ढूंढ रहे हैं हम। हम दोनों भी मानते हैं कि चुड़ैल है, और अफसोस की बात है कि घर में कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हम करते हैं। वो ये चीची का ससुराल है ना, इसीलिए हम कुछ बोलते नहीं है, फालतू में बात का बतंगड़ बन जाएगा। इसीलिए हम छुप छुपा कर, सबसे छुप छुपा कर उसे ढूंढ रहे हैं। हाँ